हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यूपीएससी के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, यानी कि किस क्लास तक आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी और क्या आपके सब्जेक्ट होने चाहिए। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है कि यूपीएससी एग्जाम के लिए जो आईएएस बने, आईपीएस बने, लेकिन उनको नहीं पता होता है कि यूपीएससी के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो मेरे दोस्त, अगर आपको जानना है कि यूपीएससी के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए तो आप ये वीडियो को कंटिन्यू अंत तक जरूर देखिए। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आयुष एरिना यूट्यूब चैनल। चलिए को शुरू करते हैं। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है कि वो यूपीएससी के लिए जाए, यूपीएससी एग्जाम क्लियर करके वो आईएएस बने, आईपीएस बने। एक और बात आपको पता है, अगर आप यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो उसमें सिर्फ आईएएस आईपीएस ही नहीं, इस तरीके के टोटल 24 पोस्ट होते हैं। उसमें आईएएस आईपीएस तो होंगे, उसके अलावा आईएफएस यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस, आईआरएस यानी कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस जिसके थ्रू आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, इस तरीके के और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे पोस्ट होते हैं। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि यूपीएससी के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट होता है कि क्लास 12 पास करने के बाद यूपीएससी में जा सकते हैं तो क्या ये सही है। तो मेरे दोस्त, ये सही नहीं है। आप क्लास 12 पास करने के बाद यूपीएससी के लिए आप एलिजिबल ही नहीं है। अगर आपको यूपीएससी का एग्जाम देना है तो कम से कम आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। ग्रेजुएशन यानी कि जब आप क्लास 12 पास करते हो उसके बाद आप कॉलेज में पढ़ाई करते हो ना, 3 साल 4 साल जो भी कोर्स आप करते हो उसी को ग्रेजुएशन बोलते हैं, हिंदी में उसको स्नातक बोलते हैं। ग्रेजुएशन में आप कोई भी सब्जेक्ट से, किसी भी स्ट्रीम से आप अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर सकते हो, यानी कि आप बीए कर सकते हो, बैचलर ऑफ आर्ट्स कर सकते हो, बीकॉम कर सकते हो, बीएससी कर सकते हो, बीटेक कर सकते हो, बीबीए कर सकते हो, यानी कि कोई भी स्ट्रीम किसी भी सब्जेक्ट से आप पढ़ाई करके अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हो। जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी तभी दोस्तों आप यूपीएससी के लिए एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। एक और चीज आपको बता दूं, देखो अगर आप अपनी ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हो यानी कि फाइनल ईयर में हो तब भी आप जो यूपीएससी की फॉर्म आती है उसे अप्लाई कर देंगे, लेकिन हाँ ये है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस टाइम तक आपको सारे सर्टिफिकेट, सारे मार्कशीट अपने दिखाने होंगे। लेकिन हाँ, अगर आप अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है तो आप जरूर से अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आप समझ गए कि यूपीएससी के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में एक और सवाल होता है कि कितने परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए। हालांकि मैंने इनके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया, लेकिन फिर भी आपको जल्दी से बता देता हूं। देखो गाइस, यूपीएससी के लिए आपका मार्क्स का कोई भी क्राइटेरिया नहीं रखा गया, यानी कि अगर आपके मार्क्स कम भी है तभी आपको चिंता करने की, परेशान करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो यूपीएससी का एग्जाम होता है उसमें आपको अच्छी रैंक लानी होती है। यूपीएससी के ऊपर, आईएएस ऑफिसर के ऊपर, आईपीएस ऑफिसर के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। इसके अलावा मैंने अपनी वेबसाइट पे भी लिखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको गूगल पे जाके सर्च करना है how to become in india.in, आप गूगल पे जाके सर्च करोगे आपको आयुष एरिना वेबसाइट मिल जाएगी। उसमें आप नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, आपको वहां पे सर्च बॉक्स मिलेगा, जो भी आपको जानना है ना बस आप उस सर्च बॉक्स में टाइप कर दीजिए। मान लेते हैं कि यूपीएससी, तो यूपीएससी से रिलेटेड आर्टिकल आ जाएगा, आईएएस आईएएस से रिलेटेड आर्टिकल आ जाएगा, आईपीएस आईपीएस से रिलेटेड आर्टिकल आ जाएगा, यानी कि बहुत सारे आर्टिकल है। तो एक बार आप वेबसाइट पे जाके जरूर देखिए, आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाए। लेकिन फिर भी आपके मन में कुछ सवाल बचता तो आप कमेंट करके जरूर पूछे। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।